क्रिएटर में आपका स्वागत है। मैं हूँ होस्ट ओमकार। और चूँकि अब साल ख़त्म हो रहा है सो अपनी जो फूड जर्नी हमने साल भर में की थी उसका हम एक रिकैप देखेंगे। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं। और मैं आपको महीने महीने बाद दिखाता हूँ कि इस जनवरी में हम कहाँ गए, हमने क्या ट्राई किया, उसको फरवरी ऐसे करते करते हम दिखाएंगे हमने अब तक क्या ट्राई किया है। तो सर जैसे इसका नाम जीनी डोसा है, ऐसा आप बताइए। जिनी ये फेमस होने के बाद इसका नाम लोगों ने जिनी डोसा, ठीक है। और जैसे जिनी प्रकट होता है ना, हाँ हाँ ओके, कहानी सुनी होगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रकट हुआ है। अच्छा ठीक है। और आपने बताया था कि ये बॉम्बे की डिश है, मुंबई का फेमस है और जूसी रहता है ये, देखने में जूसी लग भी रहा है। बाकी तो ये डोसा बनके तैयार हो चुका है, अब बारी इसको टेस्ट करने की। और ये तो एक तरह से नया डिश है, मैंने इसे ट्राई किया नहीं है तो उसको ट्राई करके समझना चाहिए कैसे करते हैं। बाकी गार्निशिंग अच्छी कर रहे हैं, साथ में ऊपर धनिया की गार्निश कर रहे हैं और सर वो रहा ये चटनी के साथ। इसको नॉर्मल डोसा होता है उससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है और साथ में जूसी बहुत ज़्यादा है। इसमें काफ़ी सारा जो डाला गया है, घी डाला गया है, जो बटर होता है वो डाला गया है, इसमें जूस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अगर इसको आप डीप से भी देखेंगे तो आपको यहाँ भी जूसी समझ में आ ही रहा होगा। तो ये एक इनोवेटिव तरीका है कुछ नया खिलाने का 2005 में, ठीक है। और इसके टाइमिंग क्या क्या होते हैं? इसके टाइमिंग है सुबह हम 11 बजे ओपन कर देते हैं और रात को 10 बजे तक। आइए हम फर्स्ट फूड यहाँ पे ट्राई करेंगे, वो है डोसा। पीछे आपको शॉप दिख रही है, ये इंडियन साउथ इंडियन नाम से है। तो आइए चलते हैं यहाँ पे डोसा ट्राई करते हैं। मैं इससे पहले जब भी डोसा यहाँ पे आके खाया था मैंने, तो मैंने यहीं से यहीं पे ट्राई किया इसलिए। तो ये साथ में सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा, ये है कोकोनट की प्यूरी। जो नॉर्मल जो जगहों पर बनती है कोकोनट की जो चटनी होती है उसमें कोकोनट के साथ आ गई लाजवाब टेस्ट है। जो कोकोनट चटनी है इसकी जो ग्रेवी थिकनेस है काफ़ी थिक है ये, पर इसमें दाल का मसाला या कुछ और नहीं। जो भी सब्ज़ियाँ इसमें डाली गई हैं वो सब फ्रेश हैं। अगर सब्ज़ियाँ पुरानी होती हैं या फिर बासी होती हैं तो टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है। सब्ज़ियाँ फ्रेश हैं, इसको जो प्रिपेयर किया गया है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया गया। हाइजीन यहाँ पर काफ़ी अच्छा, अगर आप देखें यहाँ पर गंदगी बिल्कुल नहीं है, साफ़ सफाई ठीक ठाक है, अच्छा टेस्ट है इसका, ठीक है। और स्वीटनेस भी एकदम परफेक्ट है। इसके अलावा खाने के बाद डेजर्ट में बादाम शेक आइसक्रीम एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है अपने खाने को एंड करने का। बिल्कुल, अपने खाने को एंड करने का बादाम शेक। स्वीटनेस भी ठीक ठाक है, जैसे कुछ हम खाने की चीज़ें ट्राई करते हैं जिसमें जो स्वीटनेस है, जो मीठापन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आज हम एक और फूड जॉइंट आए हुए हैं जिसका नाम है द स्ट्रीट किचन और मेरा फ्रेंड करण यहाँ पे लाया, तो उसके बारे में आपको और बताएगा। हमने जो खाना मंगाया था आ चुका है, ये आप लच्छा पराठा देख रहे हैं, ये एग करी है और इसके साथ में जो हमने पनीर मशरूम मंगाया था वो है जूसी। और इसमें आप देख रहे होंगे तो पनीर कैसे इसमें फ्रेश करके डाला गया ऊपर से और बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। जैसे जैसे और खाऊँगा आपको और बताऊँगा। यहाँ ट्राई करने वाले पनीर मशरूम के साथ, प्रॉपर फ्राइड और फ्रेश आइटम्स के साथ ये तैयार किया गया है। इसकी ग्रेवी काफ़ी बढ़िया है, ऑयली बहुत ही कम है, ये कहले कि सफिशेंट अमाउंट ज़्यादा ऑयली नहीं है। कर दिया है हमने जो ऑर्डर किया है, तो उसमें सबसे पहले है पनीर कोल्हापुरी और रोटी हमें तंदूरी मंगाई हैं और इसके साथ हमने पापड़ भी मंगाया है, सैलड भी मंगाया है। यहाँ पे ये सब चीज़ें अलग से लेनी पड़ती हैं सैलड वगैरह। और एक बार वो ऑर्डर आ जाए तो उसको टेस्ट करता है उसका टेस्ट कैसा है। और तो अब हमारा सारा खाना आ चुका है। एक आप इसमें एडिशनल सिक्योरिटी देख रहे हैं कि इसमें पन्नियाँ चढ़ी हुई हैं, मैंने भी बात की तो उन्होंने बताया कि इसके पीछे वजह यह है कि कभी कभी क्या होता है ये रास्ते से लाते हुए इन्हें कुछ मक्खी वगैरह पड़ जाती हैं, इसलिए ताकि इनकी फ्रेशनेस बरकरार रहे जिसकी वजह से इन्हें लगाया जाता है। आइए अब खाना आ चुका है और अब इसको टेस्ट करना चाहिए। जैसे इसको तंदूर में किसी ने मतलब एक तरह से तंदूर में बनाया गया हो और इसमें तंदूर का ये स्मोक और टेस्ट बहुत कुछ आता है और बिल्कुल ही अलग तरह का ये काफ़ी जूसी है और इसमें किसी वजह से बटर डाला गया इसकी वजह से जूसी है। हमें पापड़ भी हमने मंगाई है, सैलड भी है, उसको टेस्ट करेंगे।
काम करना चाहिए, उसको डेजर्ट्स करना चाहिए। तो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे आइसक्रीम, ये बटर स्कॉच। ये काफ़ी अच्छा है, फ्रेश, प्रॉपरली रेफ्रिजरेटेड। ये अब हमारी प्लेट आ चुकी है जिसमें कई तरह की मिठाइयाँ हैं। ये छेने की मिठाई है, ये हॉर्लिक्स की बर्फ़ी है, ये पान की गिलौरी है, ये कलाकंद है और ये घेवर है। तो अब इनको टेस्ट करते हैं। जो शुगर अमाउंट डाली गई है वो बैलेंस ही है। ये मेरा काफ़ी पहला पुराना एक्सपीरियंस रहा है, उनमें शक्कर का आइटम जो है काफ़ी ज़्यादा डाला जाता है, चाशनी काफ़ी ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से टेस्ट में मज़ा नहीं आता है। ये जो यहाँ पर यूनिक चीज़ है वो है हॉर्लिक्स की बर्फ़ी, तो इसको भी टेस्ट करना चाहिए। इसको मुँह में डालते जो पहला शब्द मेरे मन में आया वो था बहुत सारा हॉर्लिक्स। जो पहले हम टेस्ट करेंगे इसको, इसको देखिए ज़रा पास से देखेंगे, चॉकलेट बहुत ज़्यादा और साथ में ये चीज़ इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये जूसी इसमें टेस्ट आएगा। हम ट्राई करेंगे, इसका नाम है पिज़्ज़ा डोसा। अगर आप पास से देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा बटर डाला गया है, बहुत ज़्यादा चीज़ डाला गया है, जिसकी वजह से ये जूसी दिख रहा है। उसकी फर्स्ट बाइट हम ले करके जानते हैं। और उसके जो सर्विंग चार्ज देखिए, बिल्कुल डोसे की तरह है, जैसा पिज़्ज़ा होता है वैसे ही स्लाइस किया गया है छोटा। तो जो सबसे पहला इसमें चीज़ दिख रही है, अगर आप देखें ये पनीर की काफ़ी सारी पीसेस दिख रहे हैं, बड़े बड़े जूसी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, और काफ़ी ज़्यादा बटर डाला गया जिसकी वजह से और ज़्यादा जूसी भी बनेगा जब हम इसको टेस्ट करेंगे। तो यही सब है, यही इसका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। और ये जो डोसा है इसमें ये जो कुछ ऐसा इसमें मैरिनेटेड करके चॉकलेट और चीज़ दोनों का मिक्सचर जो है वो डोसे पे लगाया गया है, और उसको ऐसी तरह से कवर किया गया है कि मतलब डोसा खराब भी ना हो और एक अच्छा टेस्ट आ रहा है, बहुत अच्छा है, मतलब स्पाइसी सॉल्टी और स्वीट तीनों तरह के टेस्ट आ रहा है। ठीक है, ये हम आ चुके हैं राजा राम लस्सी वाले लोकनाथ पर, क्योंकि बहुत ही पुरानी दुकान है और आप देख सकते हैं ये हरी राम एंड सन्स के सामने ही दुकान है, और बहुत ही पुरानी और फेमस लस्सी की दुकान है। और यहाँ पर हम लस्सी ट्राई करने आए हैं, क्या इसका कलर आ रहा है, और एकदम ग्रेडियंट कलर मिक्सचर टेक्स्चर हर चीज़ एकदम परफेक्ट है। और साथ में जो उसमें वो डाली गई है, साथ में जो रबड़ी डाली गई है, जिसकी वजह से टेस्ट में और चार चांद लगेगा, और दही की मलाई का ऊपर से एक पूरी लेयर डाली गई है, और जो लस्सी है वो बड़े इत्मीनान से बहुत अच्छे तरीके से शुद्ध दूध की बनाई गई है, और इसमें केसर का पानी, गुलाब जल की मिठाई है, और इसमें जो चाशनी शक्कर है वो एकदम मिनिमम मात्रा में है, जिसकी वजह से इसे ज़्यादा मीठा टेस्ट नहीं आ रहा है। और कुछ मिठाइयाँ जो हमने इससे पहले ट्राई की थी बंगाल की, कुछ वैसा टेस्ट इसका और स्टफिंग करके मसाले डाल के बनाए जाते हैं, थोड़ा सा ये डिफरेंट प्रिपरेशन स्टाइल है यहाँ की। इसको ट्राई करेंगे, तो मसाले कुछ इनसे हम ट्राई करेंगे, और इसको करीब से देखें तो काफ़ी सारे इसमें फ्रूट्स को कट करके डाला गया है, ऊपर आपको अनार दिख रहा है और केला भी है, अभी टेस्ट करके और जानना चाहिए। और ये सर्व किया था चिल्ड, बाबा का ढाबा आप देख सकते हैं, बाबा का ढाबा, और यहाँ पर हमने पनीर राइस ऑर्डर किया है, और इसका टेस्ट देखते हैं। पनीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा, लाजवाब टेस्ट है, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब, एकदम गर्म, मतलब मैंने अपने सामने रोटी बनती हुई देखी है, तो मैं खा रहा हूँ एकदम गर्मा गर्म, बहुत अच्छा टेस्ट लग रहा है। बहुत अच्छा लगा, ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर नए नए लोग पहली बार आ रहे हैं और उनको भी काफ़ी अच्छा टेस्ट लग रहा है, बहुत बढ़िया टेस्ट लगा। दिल्ली से ही आए आप? पलवल से आए हैं, स्पेशली पलवल। शक्कर ज़्यादा नहीं डाली गई है, और जो भी बाहर उसको किसी भी तरह से घुमा फिरा के अलग तरह से नहीं बनाया गया है, कुछ और इसमें ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, और ये इसमें पूरा पड़ा हुआ है,
वो टेस्ट ये सिंगरौली लेके जाएंगे। भेजी है अंबिकापुर, भेजे है कुरचंद, ठीक है। इसका मतलब कि काफी ज्यादा यहाँ से बाहर भी ये चीज फेमस है। इलाहाबाद जो अपना ऑर्डर है वो कर दिया है, और जो हमने ऑर्डर किया वो है अंडा मसाला। तो अब वो आ जाए तो उसका टेस्ट। तो जो हमारी डिश है अंडा मसाला वो आ चुका है भाई, इसको अब टेस्ट करेंगे और समझेंगे इसका टेस्ट कैसा है। इसका टेस्ट काफ़ी यूनिक, काफ़ी अलग है। काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया पकाया जाता है, पूरा बॉयल किया जाता है, और तेल वगैरह यूज होते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और जो है तेल बहुत कम यूज होता है इसमें, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये, और हमें यहाँ जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग चीज़ सबसे ज़्यादा जो फेमस चीज़ है कि जिस लोग डिमांड करते हैं वो क्या है, चिकन मसाला, ठीक है। और उसके शॉप में बन ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आओ वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको सवाल और सुझाव हो तो अपने कमेंट में बता सकते हैं, और ऐसे ही ट्रैवल और फूड वीडियो से जुड़े रहने के लिए इंडियन ट्रैवल को सब्सक्राइब करिए, और छोटा सा बेल आइकन है उसको भी दबाएं ताकि जब मैं वीडियोस पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और स्टे ट्यून्ड, मैं आप सबके लिए ऐसे वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।